मुरादाबाद की ईदगाह में जहाँ सी और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष 24 घंटे मौजूद हैं और इस कानून को वापस करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए जानते हैं वो सरकार से क्या कहना चाहती हैं। हम यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि सरकार हमारी मांगों को देखे। हम यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं, हमें यहाँ इतने दिन हो गए बैठे हुए, एक महीने से ज़्यादा हमें ईदगाह के मैदान में बैठे हुए हो गया है और हम सरकार से चाहते हैं जो ये कानून सरकार लेकर आई है CAA और NRC, इसको वापस लिया जाए, क्योंकि इससे सभी धर्म और सभी कौमों के लोग प्रभावित होंगे, सिर्फ मुसलमान ही नहीं। क्योंकि ये जो हमारा ये जो कानून आया है, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग कानून को कागज़ चाहिए होंगे, जो कि हर देश के नागरिक के पास नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कानून वापस लिया जाए। मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये CAA नागरिकता देने का कानून है आप कह रहे हैं, लेकिन ये नागरिकता देने का भी कानून है और नागरिकता लेने का भी कानून है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आसाम। NRC को लेकर आप क्या कहेंगी? NRC को लेकर मैं यही कहूँगी कि NRC में वही बात है कि सारे देशवासियों को पीढ़ी दर पीढ़ी के कागज़ चाहिए होंगे, सन 70 से पहले के कागज़ चाहिए होंगे। सन 70 के कागज़ लोग कहाँ से लाएंगे? जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों में आग लग गई है या किसी कारणवश उनके पेपर गुम हो गए हैं या जिन लोगों के पास है ही नहीं, तो वो कागज़ कहाँ से लाएंगे? जब वो उनके पास कागज़ ही नहीं होंगे NRC में दिखाने के लिए, तो वो डिटेंशन चले जाएंगे। तो डिटेंशन वही बात आ जाती है कि आप उसको CAA से नागरिकता देंगे, और CAA से नागरिकता किसको देंगे? आप 5 धर्म के लोगों को देंगे, ये उसमें मुसलमानों का नाम नहीं है। यही हमारी लड़ाई। मेरा नाम निशा विराज। आप यहाँ पे किस कारण से विरोध कर रही हैं? हम NRC और NPR और CAA के खिलाफ विरोध में बैठे हैं। क्या कारण है इसके विरोध करने का? इसका कारण यह है कि हम हिंदुस्तानियों से यहाँ रहने का सबूत मांगा जाता है, तो इस शहर के साथ ही मैं बस चंद लाइनों के साथ ही मोदी जी के पास ही अपनी ये बात पहुँचाना चाहूँगी कि तुम्हारे जैसों के इल्ज़ाम दरगुजर करके तिरंगा चूम के हमने कफन को चूमा है, और हमको लाहौर कराची ना दिखाओ, हमने फजर से लेके इशा तक वतन को चूमा है। तो देखिए आप इन लोगों का जज्बा, इन लोगों का कहना है कि हम तो सुबह फजर से लेकर इशा तक यहाँ की ज़मीन को चूमते हैं, तो आप हमसे कौन होते हैं पूछने वाले कि हम यहाँ के नागरिक हैं या नहीं।